सहनाई बजी, बैंड बाजा बजा, घर बारात आई, धूमधाम से शादी भी हुई और विदाई भी हुई। लेकिन शादी के अगले ही दिन दुल्हनिया ससुराल से सारे जेवर गहने की पोटली बांधकर अपने प्रेमी संग 9-2-11 हो गई। एक बाप का सर उस वक्त नीचा हो गया जब मालूम पड़ा कि जिस बेटी को उसने नम आंखों से विदाई की थी वो पापा की परी तो शादी के जोड़े में ही आसिक संग रफू चक्कर हो गई। दो परिवार को शर्म से तार तार कर देने वाला यह अजीबोगरीब मामला भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया से सामने आया है। और पूरा हिंदू रीति रिवाज के तहत मेरी शादी हुई और 21 को शादी हुई और 22 तारीख को हम लड़की को लेकर अपने घर आए और उसी रात लड़की लगभग 2:15 के लगभग अपने प्रेमी के संग वो फरार हो गई और कुछ नकदी और जेवरात लेके वो फरार हो गई। पीड़ित पति ने बताया कि उसके हाथों की मेहंदी भी अभी नहीं छूटी थी, अभी तो पत्नी के साथ घर बसाने का सपना ही देख रहा था और अब थाने का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नौगछिया इलाके के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के गांव में शादी कर ससुराल पहुंची नवविवाहिता आसिक संग फरार हो गई है। घटना को लेकर पीड़ित पति नंदलाल ठाकुर ने भवानीपुर थाना में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि 21 मई को मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लोहच्ची लक्ष्मीपुर में धूमधाम से उसकी शादी हुई थी। 22 मई को पत्नी के साथ वो घर पहुंचा और 22 मई को ही देर रात जेवरात और नकदी समेत अन्य सामग्री लेकर उसकी पत्नी घर से फरार हो गई। इस मामले को लेकर ससुराल में छानबीन की गई तो पता चला नवविवाहिता वहां नहीं पहुंची है और प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति ने प्राथमिकी दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद भवानीपुर पुलिस ने मामले की सघनता से जांच की और खगड़िया के मानसी के एक गांव से नवविवाहिता के साथ फरार होने में उपयोग की गई क्रेटा कार को बरामद कर लिया। और वो सारा बात जानती थी, फिर भी वो उसके माता पिता ने मेरे हमसे शादी करवा दिया। लड़की के भागने के बाद फिर आपने क्या किया? आगे हमने भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई, फिर अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है हम कर रहे हैं। लड़की बरामद हो गई है? लड़की बरामद हो गई है वहीं भवानीपुर ओपी में, वहां से फिर यहां लाया गया है। लड़का भी पकड़ाया? लड़का नहीं पकड़ाया है, लड़की सिर्फ पकड़ाया। बरामद हुआ सामान भी? बरामद हुआ नहीं, सामान तमान नहीं है उसके पास। जैसा हमको पता चला कि सामान अभी उसके पास नहीं। बातचीत हुई है? किसका? लड़की का हमसे बातचीत नहीं है। पहले तो पता चला कि हम तो कभी बात नहीं की लड़की से, लेकिन जो मीडिएटर था और मेरी मम्मी में कभी कभी बात करती थी, 10-15 दिन में कभी कभी बात करती थी और इतने अच्छे से बात करती थी कि लगती नहीं थी कि ये मतलब फ्रॉड है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात करती थी और जिस दिन आई घर तो उस दिन तो हमसे बात जरा सा भी नहीं की और मेरे भगिनी सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। हाँ, खाती पीती थी बढ़िया से और पता नहीं चला कि मतलब किस समय दिन में बाकी है। रात में 2 बजे आए आप घर? हम 7 बजे सुबह आए। दिन भर रही अच्छे से, सारा जो विध व्यवहार होता है हिंदू रीति रिवाज में सारा बढ़िया से हुआ। उसके बाद रात में जो है ना वो कुछ खीर वगैरह सब खाई हुई, उसके बाद फिर जब हम गए सोने के लिए तो बोला कि नहीं, जब तक हाथ में कंगन है तब तक जो है ना हम नहीं सोएंगे। हम सोचे कि चलो ऐसा हिंदू रीति रिवाज में। मामले को लेकर नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि भवानीपुर OP में प्राथमिकी दर्ज की गई और अनुसंधानकर्ता के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को भी बरामद कर लिया गया है और न्यायालय में 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है। लड़की बालिग है तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जहाँ वो जाना चाहे जा सकती है। लड़की को उनकी माँ को सुपुर्द कर दिया गया है। पूछताछ के क्रम में महिला ने स्पष्ट इनकार किया है कि उसने कोई पैसा और जेवरात लिया है। हालांकि मामले की जांच अब भी जारी है। प्राथमिकी दर्ज की गई है न, अनुसंधानक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए न जो लड़की थी जो उसे बरामद भी किया गया न, बरामद करके न्यायालय में 64 का बयान भी दर्ज कराया गया। चूंकि वो बालिग है न, बालिग है तो माननीय न्यायालय का आदेशानुसार जहाँ वो जाना चाहे उसके आलोक में
जो लड़का पर आरोप है जो लेके भगाने का प्राथमिक अभियुक्त है उन्हीं की माँ को उसी के माँ को मतलब ये सुपुर्द कर दिया गया। पैसा लेके भागने से बात होने देखिए पूछताछ इस समय किया गया तो जो महिला है वो स्पष्ट इनकार कर रही है, उसका कहना है कि हम कोई पैसा या जेवर लेके नहीं गए, वहीं पर छोड़ दिए। हम लोग और आगे जाँच करेंगे।